कितनी विपरीत परिस्थितियों में ऋषि दयानंद को देखता है और वो आस्तिक बन जाता है और अपना पूरा जीवन आगे समाज ऋषि दयानंद को दे देता है, जो जितना बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था। पंडित लेखराज इतने समर्पित भाव से समाज के अंदर निकल पड़ते हैं कि अपने 1.5 साल के बीमार बेटे को छोड़ दिया और अपने भाइयों को मुसलमान होने से बचाया। जब स्वामी श्रद्धानंद जैसा व्यक्तित्व आगे चलकर के श्रद्धानंद बन सकता है जीवन की समस्त बुराइयों को छोड़ करके ऋषि दयानंद जी की विचारधारा को सुन करके, तो हम क्यों नहीं बन सकते। यदि अमीचंद कीचड़ में से निकल करके हीरा बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। हमें इन बातों पर चिंतन करना है, विचार करना है। मुझे पथिक जी की लिखी हुई पंक्तियां याद आ रही है। किसी ने निवेदन किया था कि वो पंक्तियां सुनाना जो पथिक जी ने लिखी। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने लिखा, मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ, जो शम जलाई ऋषिवर ने उस शमा का मैं परवाना। Thank you.
विचार करना, चिंतन करना, कितना समर्पण ईश्वर दयानंद जी के प्रति इन लोगों का था। यदि हम भी ऐसे ही समर्पित हो जाएं, तो जैसा वातावरण हम चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कहती कि हम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की तरह आगे समाज के पांच नियम आगे और पांच नियम पीछे दिखवा करके लोग उन्हें पागल समझने लगे थे वैसे निकल जाए। इतना समर्पण तो हमारे में नहीं हो सकता कि हम पंडित लेखराम की तरह अपने बच्चों को छोड़ दें। इतना समर्पण तो हमारा नहीं हो सकता कि स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह अपने सारी संपत्ति हम उनको दान में दे दें। लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारा कोई भी कदम उठे तो श्रीमद दयानंद जी के नाम को आगे लेकर के जाने वाला हो, पीछे लेकर के जाने वाला नहीं हो, क्योंकि वो समर्पण रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में आता है कि आर्य समाज पंजाब के मंत्री होते थे, पूरी तरह से मुझे ध्यान नहीं है, छाजू नाम से जिनका नाम था, उन्होंने आर्य समाज के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। किसी ने पूछा कि मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे रहे हो, वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं आर्य समाज का जो तीसरा नियम है जो ऋषि दयानंद ने लिखा है, मैं उस नियम का अपने जीवन में अच्छी तरह से पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता, इसलिए लोग ये ना कहते कि आर्य समाजी बने घूमते हैं और आर्य समाज के नियमों का भी पालन नहीं करते, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आरएसएस के अंदर स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने मना कर दिया क्योंकि तुम जड़ पूजा करते हो। लेकिन मैं वहां पर आकर के बैठ गया तो लोग कहेंगे कि देखो आर्य समाज का सन्यासी भी जड़ पूजा कर रहा है। मैं शिवा दयानंद और आर्य समाज के नाम को बढ़ता नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं आपकी इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं मुख्य अतिथि बनकर ही नहीं आ सकता। आप सोच करके देखिए वो क्या समर्पण के भाव है। ऋषिवर दयानंद जी के ऋण हम उतार नहीं